सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों मैंने आपसे कुछ दिनों पहले एक वीडियो में जिक्र किया था कि यार एक स्मार्टफोन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा जरूरी कंपोनेंट कौन सा है, और जवाब था कि जो प्रोसेसर है भैया वही है दिल, वही है दिमाग। तो आज दोस्तों इस वीडियो में बढ़ते हैं आगे और मैं आपसे बात करने वाला हूँ सैमसंग के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर एक्सिनोस 9810 के बारे में। देखते हैं कि इसमें क्या खास फीचर्स है, कैसे मदद करता है कि आप अपने फोन को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर पाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, मेरे साथ बैठे हैं गिकी रंजीत। दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे ना मतलब प्रोसेसर जो है भैया वो चीजें कंट्रोल करता है बहुत सारी, और दिल और दिमाग दोनों है। अब दोनों है तो मतलब फिर आगे बाकी कुछ बचा नहीं। और यहाँ पे अगर बात करते हो नॉर्मल परफॉर्मेंस की, गेमिंग की, अब बात करते हो कैमरा की, अब बात करते हो बैटरी लाइफ की, अब बात करते हो डिस्प्ले की, सभी जगह इनडायरेक्टली सब उससे ही है, अगर उसी से जुड़ा है सब कुछ। आप अगर डिस्प्ले भी बहुत बड़ा डालो अगर प्रोसेसर सपोर्ट नहीं करेगा तो नहीं चलेगा। तो मतलब समझ लो गाड़ी का इंजन हो गया तो फोन का वो इंजन वगैरह भैया सब कुछ वहीं पे है। और यहाँ पे दोस्तों मैंने बहुत बार वीडियोस बनाई है अलग अलग प्रोसेसर को लेकर, और ऐसे में आपकी बहुत डिमांड भी रहती है कि सैमसंग एक्सिनोस जो है उसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊं। तो यहां पे जो एक्सिनोस 9810 जो कि सैमसंग का लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर है, अगर हम बात करते हैं इसके सीपीयू के बारे में तो ये आता है एक ऑक्टा कोर जो बिग लिटिल है, चार बड़े छोटे का मतलब ये है कि उसमें टोटल 8 कोर्स में से 4 कोर्स जो है वो है हाई परफॉर्मेंस वाले, जो बाकी 4 कोर्स है वो काम में आती है छोटे बड़े टास्क करने के लिए, जो पावर एफिशिएंट है वो पावर एफिशिएंट। और यहां पे बात करते हैं अगर क्लॉक स्पीड की तो जो हाई पावर्ड कोर्स है वो काम करती है 2.9 गीगाहर्ट्ज़ पे, और जो लो पावर है 1.9 पे काम करती है। और यहाँ पे वो तो बात होगी सीपीयू पार्ट की, लेकिन जीपीयू भी जरूरी है भैया। लेकिन भाई अगेन इसको प्रोसेस का फैब्रिकेशन बोल देते हैं। हाँ, 10 नैनोमीटर पे है और ये सेकंड जनरेशन फिनफेटोज पे है, बहुत ही एफिशिएंट। एफिशिएंसी के बारे में बैटरी लाइफ के बारे में बाद में बात करते हैं। तो यहाँ पे मतलब ये बना है 10 नैनोमीटर पे। 10 नैनोमीटर का अगर बताता हूँ सिंपल सा एग्जांपल, तो भैया होता क्या है समझ लो कि 2 पार्ट्स हैं, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन को जाना है, यहाँ से उछल के यहाँ पे, और ये जो डिस्टेंस है मैं इसको कम कर रहा हूँ। जितना मैंने कम कर दिया 10 नैनोमीटर का मतलब ये पहले तो छोटा हो गया। उसके 2 फायदे, पहली बात तो ये उसको यहां से यहां जाने में टाइम कम लगेगा, यानी कि परफॉर्मेंस अच्छी होगी, और एनर्जी भी कम लगेगी, तो पावर एफिशिएंट भी हो गया। अब यहां बात करते हैं जीपीयू की, बिकॉज़ भैया पबजी सबको खेलना है अपने फोन में। तो यहां पे इसमें आता है माली G72MP18 जीपीयू, और यहां पे जीपीयू जो है उसकी परफॉर्मेंस तो अच्छी है ही, लेकिन इसके अलावा जीपीयू क्योंकि मतलब मैं बताऊं कि सीपीयू से ज्यादा पावरफुल, अगर आप करते हैं नॉर्मल कंपैरिजन तो कभी कभी कुछ कुछ कामों में ये बिहाइंड द सीन्स काम में आता है नॉर्मल चीजों के लिए भी। मतलब हम जो स्क्रीन पे देख रहे हैं जो यूआई चेंज हो रहा है जो हर चीज अलग है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स काफी भी काम में आता है। और इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, भैया हमको सेल्फीज लेनी है, हमको फोटोज क्लिक करनी है बहुत सारी अच्छी अच्छी, तो यहाँ पे एक जरूरी चीज जो होती है ना वो है ISP इमेज सिग्नलिंग प्रोसेसर। और ये जो प्रोसेसर है मतलब हम बात करते हैं कैमरा के बारे में, नहीं गौरव मजे की बात है, जब भी हम बात करते हैं सब क्लॉक स्पीड के बारे में, ISP के बारे में कोई बात ही नहीं करता। और मेरे हिसाब से ISP जो रहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं मतलब भाई आपके पास में कैमरा की स्पेसिफिकेशन आपने अच्छी अच्छी हो गई, लेकिन वो जो लाइट वहां पे गिर रही है आपके सेंसर से जो चीज बाहर निकल के आई है उसको आप कैसे यूटिलाइज करके फोटो को अच्छा कैसे प्रोसेस करके जो प्रोसेस है ये करता है, तो वो जो काम है ISP का वो काफी इंपॉर्टेंट। और इसके अंदर ड्यूएल ISP है जहां पे आपने जो फोटो ली उसके बाद में भैया ऑटो फोकस से लेके वाइट बैलेंस से लेके नॉइस रिडक्शन हो गया, वाइट HDR हो गया, बहुत सारी चीज एवरीथिंग पूरा जो है वो। और ISP की स्पीड भी बहुत फास्ट रहना चाहिए, क्योंकि मैं आप स्मार्टफोन्स देखते होंगे पुराने डुअल कैमरा रहा है, आप जब उसके 2 कैमरा यूज करोगे आप लोग थोड़ा डिले रहता था, लेकिन क्लिक करो और उसके बाद में थोड़ा वेट करो तब फोटो सेव होती है। लेकिन जो ये एक्सिनोस के जो ये जो है नोट 9 में है और S9 प्लस में, आप अगर उसका डुअल कैमरा भी यूज करोगे आप दबाओ इंस्टेंटली फोटो आती है, और ये ISP का कमाल है। और मजे की बात कि जब आपने दबा के फोटो सेव हो गई वो कुछ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में, लेकिन उस टाइम पे ऑलमोस्ट फोटो पे बिलियन ऑपरेशन हो चुके होते हैं इंडिविजुअल पिक्सल लेवल पे, कि भैया कहां से नॉइज को कम करना है, फोटो दिखने में कैसे अच्छी बने, डायनेमिक रेंज को हम कैसे इंप्रूव करें, वो सारी चीजें। और बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ISP, जो पिक्चर्स बोलते हैं अच्छे लगते हैं आपको जो ये पूरा ISP का। तो यहां पे इसमें ड्यूअल ISP है तो टोटल जो है वो 4 कैमरा सपोर्टेड है, जहां पे पीछे की तरफ दो कैमरा और सामने के दो, आगे का आपका कैमरा हो गया, दूसरा आपका एयर स्कैनिंग वाला जो कैमरा है वो हो गया। और इसमें अगर आप बात करते हो सिंगल कैमरा की तो है 24 मेगापिक्सल तक, और 16+16 ड्यूअल कैमरा का। और भाई जैसे आप फ्लैगशिप प्रोसेसर में एक्सपेक्ट करोगे AI फीचर्स भी है ये प्रोसेसर में, सीन डिटेक्ट कर रहा है जो डेप्थ लेकिन है। सैमसंग ज्यादा इसको बोलता नहीं है, लेकिन हाँ, है इसमें। तो इसमें AI वाले ऑप्शंस भी, और इसके अलावा जो हम बात करते हैं भैया वो है हमारे लिए डेटा।
अभी डेटा है तो मतलब चाहिए मॉडम, डाउनलोड स्पीड, मतलब डाउनलोड स्पीड, अपलोड स्पीड क्या है। तो इसके अंदर जो मॉडम है वो सपोर्ट करता है कैरियर एग्रीगेशन को, जहां पे 6वे है जो डाउनलोड के लिए और जो अपलोड के लिए 2। हां तो वो बेसिकली डाउनलोड स्पीड 1.2 गीगाबिट्स पर सेकंड, अपलोड स्पीड 200 मेगाबिट्स पर सेकंड। आपका अगर कैरियर सपोर्ट करे तो भगवान करे, करे कभी, लेकिन लेकिन ये रियल वर्ल्ड में भी गौरव काफी हेल्प करता है। मैं क्योंकि आज मैं काफी फोन टेस्ट करते हैं हम लोग, मैं देख रहा था मिड रेंज फोन जो है सेम नेटवर्क पे सेम जगह पे जो स्पीड आ रही है डाउनलोड की सिर्फ 20 से 21 पे, और ये फ्लैगशिप जो था जो सैमसंग का जो नोट 9 से मैं किया ऑलमोस्ट 82 एमबीपीएस। ये डेफिनेटली मतलब आपको क्या पता कैरियर एग्रीगेशन, डेफिनेटली मतलब आप सेम स्पॉट पे बैठे हो, सब कुछ सेम है और आपको इंस्टेंटली डिफरेंस दिखता है। मजे की बात की यहाँ पे एक्सिनोस के पास में एक सेपरेट मॉडम भी है जो एक अलग ये नई चीज है जो की एक्सिनोस 5100 जहाँ पे आपको 5G का सपोर्ट मिलता है। ये वर्ल्ड फर्स्ट 5G मॉडम है बाय द वे। और यहाँ पे जो स्पीड है सर डाउनलोड 5 या 6 गीगाबाइट्स पर सेकेंड और बस हम वो यूज कर पाए कभी। और मजे की बात यहाँ पे 5G के अलावा 2G 3G 4G का भी सपोर्ट है, तो मतलब ये नहीं है कि 5G यूज कर रहे हो और सिग्नल नहीं मिला तो कुछ नहीं है, मतलब जो बैकअप है वो अवेलेबल है यहाँ पे। लेकिन दोस्तों इसके बाद में आपसे बात करता हूँ, सारी चीजें हो गई, अभी बात कर रहे हैं पावर एफिशिएंसी की। इस ये चीज में भाई मैं कहता हूँ जो एक्सिनोस के प्रोसेसर है, जो फ्लैगशिप प्रोसेसर है, काफी फ्लैगशिप फोन्स मैंने यूज किया, प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। लेकिन एक्सिनोस के जो है गौरव एग्जांपल, जैसे हाल ही में मैंने नोट 9 टेस्ट किया था, जो इसकी स्टैंडबाय लाइफ है, बैटरी लाइफ जो कहते हैं काफी आइडल रेन बहुत, ये एक्सिनोस में काफी सालों से ये चीज बहुत अच्छी कर रहे हैं, जो पावर जो मैनेजमेंट रहता है इनका आइडल पावर ड्रेन बहुत ही अच्छा है। और ये सारा रोल मेन तो उसका ही है, आपने डिस्टेंस कम कर दिया, इलेक्ट्रॉन उछल उछल के जा रहा है सीधा। सेकंडली यहाँ पे अगर आप बात करते हो कि आपने ऑक्टा कोर डिजाइन के अंदर मतलब असाइन कर दिया, जो लो पावर कोर्स है खुद ही सैमसंग डिजाइन कर रहा है, प्रोसेसर भी फोन भी डिजाइन कर रहा है, तो बहुत ही एफिशिएंसी एक बात है। और इनफैक्ट अगर आप बात करते हो परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा बूस्ट है अगर आप कंपेयर करते हैं पुराने जनरेशन से, तो ये सिंगल कोर ऑपरेशन में 2 times और मल्टी कोर में 40% इंप्रूवमेंट हो चुका, तो ये भी बात है। तो ये दोस्तों हो गए सारे मिलके कहानी, और कुछ बाकी रहता है क्या बात करने के लिए? नहीं भाई प्रोसेसर बस इतना ही करता है, बस स्क्रीन तो मेन काम मतलब ये समझ लो अभी चीजें बिहाइंड द सीन्स तो बहुत सारी हो रही है। लेकिन नॉर्मली यहाँ पे आईएसपी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सीपीयू जीपीयू हो गया है, साथ में आपका मॉडेम हो गया है, साथ में इसमें कुछ एआई फीचर्स हो गए हैं, इसके अलावा बस यही है कहानी, मतलब वही है भाई। ये भी एक कट, ये सारी चीजें जब मिल जाती है तो बाद में एक्सपीरियंस अच्छा बन जाता है। हां एंड एंड यूजर को भाई कुछ वो नहीं दिखता, जैसे बस बटन दबाओ हो गया काम। तो ये दोस्तों पूरी कहानी एक्सिनोस 9810 की। अगर आपको वीडियो देखना है इंग्लिश में तो हम दोनों ने ही किया है कमाल, वो हुआ है रंजीत के चैनल पे। और बाकी आगे चल के आप बताओ कि आप और कौन सी वीडियोस देखना चाहोगे जहां पे हम दोनों साथ में बैठ के बात करेंगे, ऐसे किसी और ऐसी कोई टेक्निकल टॉपिक बताओ जहां हम लाइक थोड़ा फन में एक्सप्लेन करते हैं तो मजा आता है ना, अलग अलग लेके थोड़ा डिबेट करेंगे उसमें मजा आएगा। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देख लिया आपको बताने के बाद मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको सुझाव हो तो मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो लाइक भी शेयर भी कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हम कभी कभी आपके लिए अच्छी वीडियोस लेके आते रहते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद वंदे मातरम, चलिए बाय बाय बाय।